सेलेक्ट होता है, संसार में एक ही रब है, उसी की आराधना करो, उसी की बारगाह में झुको, उसी से मांगो, वही मान आपका मान सम्मान पूरा करने वाला है। सुभान अल्लाह, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले यहाँ पर हैं, प्रिंट मीडिया वाले यहाँ पर हैं, और जितने हमारे सलाहकार लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, किताब कर रहा है, शाम वेद है, इजर वेद है, कल की पुराण है, महाभारत है, हम भारत में जन्म लिए हैं, यहाँ हमारा आत्मा, हमारा रूह, हमारी रूह यहाँ पर गर्दिश कर रही है, लेकिन मदीने से बुलावा बात है, मदीने से बुलावा आ रहा है, और मेरा दिल भी उससे पहले जा रहा है। क्या बात है, वाह वाह, मेरे दोस्तों, रही साथियों, आप देखिए बाबा गुरु नानक पाकिस्तान की धरती में अवतार, हिंदुस्तान में अवतार हुए, लेकिन पाकिस्तान में आराम फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, पहला नाम खुदा का दो जाना मेरे सो, पहला नाम खुदा का दो जाना मेरे सो, तीजा गल में पढ़ने का दरगाह पवे कबो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब बैठ जाए, वाह 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 वाह, अब छोड़ दे ना, और बोले हाँ, समर्थन चाहिए, इसलिए कि आज के डेट में समर्थन है, सब कुछ है, इसलिए क्या नकी के तरफ से मुकम्मल समर्थन है, लेकिन आप लोगों का समर्थन चाह रहा हूँ। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये बाबा गुरु नानक कह रहे हैं, अज्ञात धर्म वाले हैं, हमारे धर्म वाले का कभी नाम पढ़े कहाँ है, इमाम अहमद रजा खान जिनका नाम लेता है सारा जहां, जिन्होंने हमारे आपके अकीदा बचाने के लिए दिया है तर्जमा। आला जल फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बनता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मेरे दोस्तों इस साथियों, बाबा गुरु नानक कह रहे हैं, पहला नाम खुदा का दूजा नाम मेरे सो, तीजा जल में पढ़ने का दरगाह पवे कबो, न भेजे डहता डहता ना मेरे सोल, डहता नूरे मोहम्मदी, डहता नूरे मोहम्मदी, डहता ना मेरे सोल, नानक कुदरत देख कर सब है गए भो। ये बाबा गुरु नानक अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। सिदरा के मक्की जिब्रील अमीन से अगर पूछा जाए, हे सिदरा के मक्की, क्या तेरा अकीदा है नबी के बारे में, क्या क्या तुम जानते हो नबी के बारे में, क्या तूने देखा नबी के बारे में, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, कम अबे 24,000 मर्तबा मेरे नबी की बारगाह में आया है। हे सिदरा के मक्की, तूने नबी को कैसे पाया है, कैसा देखा है, अल्लाह अकबर अगर पूछा जा रहा है तो मेरे दोस्तों, सिदरा के मक्की से पहले अगर पूछा जा रहा है तो शेख सादी रहमतुल्लाह वाले फरमाते अल्लाह अकबर, शेख साजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर, अल्लाह जो लोग हमारे फारसी हजरात पर बैठे हैं, जो गुलस्तां बुस्तां पढ़ के बैठे हैं, जो लोग जान रहे हैं, लेकिन मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि भारत में हम रहने वाले लोगों से पूछा जा रहा है, तेरा अकीदा क्या है। अरे शायर आएंगे तो इको दे दीजिएगा, और हम लोगों के लिए इको की जरूरत नहीं है, लेकिन बढ़ाइए, बोले आवाज खींच रही, लग रहा है कि ये अंग्रेज है कि जमाना का माइक लाए, लेकिन माइक बहुत बढ़िया है, पूरे मोहल्ले में आवाज गूंज रही है, पूरे मोहल्ले में आवाज गूंज रही है, इसलिए गूंज रही है कि जाता दुनिया का कोई गद्दार मक्का मदीना नहीं जा रहा है, कल हाजिर है इमाम वफादार। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह।
मेरे दोस्तों इन साथियों में यजुर्वेद का एक मंत्र पढ़ा, एकम रहम दोत है नमः नस्ते कंचनम। संसार में एक ही रब है, संसार में एक ही ब्रह्मा है, उसी की आराधना करो, उसी का पूजा पाठ करो, उसी से मांगो। हमने पूछा ये कुरान, ये तो दुनियादार वाले बता रहे हैं, ये तो दुनियादार की किताब बता रही है, लेकिन हमने जिसको हमने माना है, कभी तौरात आसमान से उतरा, कभी इंजील आसमान से उतरा, कभी जबूर आसमान से उतरा, लास्ट में मेरे नबी की बारगाह में कुरान उतरा। ए कुरान तू क्या कहता है? कुरान फरमाता है कुल हु अल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ओ एक है, उसी उसका कोई ऐब नहीं, वो अकेला है, वो अकेला खुदा है, वो अकेला रब है। हमने कहा कैसे जानूंगा? फिर कुरान कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान कह रहा है कि पूरा रब, पूरी कायनात का मालिक वही रब है, जो रब है उसके बारे में फरमाया है अल्लाह हमने आपको जाना। कैसे जानेंगे कैसे तो एक है अल्लाह, हम आपको जानेंगे कैसे तो बे एब है अल्लाह, हम कैसे जानेंगे तो बे औलाद है अल्लाह, हम कैसे जानेंगे? रब फरमा रहा है हमने तुमसे मेरे दरमियान अपने कलबे जिगर का टुकड़ा यानी कलबे नूर को मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतार दिया। कहाँ आए? संभल नगरी में आए, मक्का नगरी में आए। जब 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 पार्वती को अवतार पार्वती को अगवा करके ले गया, तो जानते हैं कहाँ रखा था? महादेव कैलाश पहाड़ पर रखा था। और कैलाश पहाड़ पर रखने के बाद पार्वती पूछ रही है, हे मेरे प्रभु, हमको आप यहाँ कहाँ लाए? का सुनो सुनो, कल युग में आने वाला अवतार होने वाले हैं, जिनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठेगी, जिनके परछाई कभी नहीं, जिनका साया नहीं है, जिनके परछाई नहीं है, जो आएंगे खतनाशुदा आएंगे और वैसे आएंगे उनका चार यार होंगे। अल्लाह अकबर। कैलाश पहाड़ पर ले जाकर के पार्वती को महादेव समझा रहा है कि सुनो सुनो, कलयुग में आने वाला है, उनका वो अवतार होने वाले हैं, पृथ्वी के बीचों बीच में आएंगे, वो संभल नगरी में आएंगे और आने के बाद दुनिया के अंदर में वो ऐसे चक्कर लगाएंगे कि घर बैठे एक ही जगह बैठेंगे, लेकिन पूरे संसार का वो दीदार करेगा, पूरे संसार का मुआयना कर लेगा। और उनके पास उनके जो चार मित्र होंगे, तो आसमान में होंगे, तो जमीन में होंगे, वही उनका खलीफा होगा। अल्लाह अकबर। अब पूछा जा रहा है तफसील में आकर के, ये कौन है जिसके बारे में बता रहा है? महादेव बता रहा है, कैलाश पहाड़ पर बता रहा है, पार्वती को अगवा कर रहा है। तो जब मेरे दोस्तों, जब हम लोगों ने हदीस का मुताला किया और पता चला अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि सुनो सुनो, मेरा दो ऐसे यार हैं जो जमीन पर हैं, दो ऐसे यार हैं जो आसमान पर हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक के बारे में इशारा फरमा रहे हैं, उमर फारूक के बारे में इशारा फरमा रहे हैं, तभी तो मेरे नबी के कब्र के बगल में ये दोनों आराम फरमा रहे हैं। अभी ये जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला सल्लम आराम फरमा रहे हैं, उसी के बगल में अबू बकर भी आराम फरमा रहे हैं, उसी के बगल में उमर फारूक भी आराम फरमा रहे हैं। आसमान पर जिब्राइल है, आसमान पर मिकाइल है। अल्लाह अकबर। दो आसमानों में है, दो जमीनों में है। अल्लाह अकबर। ये उनका खलीफा थे। अल्लाह अकबर। ये रूहानी खलीफा लोग हैं, ये नूरी खलीफा लोग। दो नूरी खलीफा है, दो जिस्मानी खलीफा है। अल्लाह अकबर। और जिस्मानी एतबार से जमीन पर चार खलीफा, आसमान से चार किताबें आई है। अल्लाह पर अब ये ज़ियारत घर में निकले जा रहे हैं, मदीना जाएंगे, वहाँ पर क्या देखेंगे? सरकार के बगल में हजरत आयशा का भी आराम फरमा रही है, सरकार के बगल में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आराम फरमा रहे हैं, सरकार के बगल में उमर फारूक भी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब ये जाने के बाद सरकार के कब्र की तौसी के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 11 मरतबा किया गया है। और खाने काबा
की तामीर भी 11 मर्तबा किया गया। 11वीं वाले हम लोग प्यार से कहिए ना सुभान अल्लाह, 11 के बाद ही आता है 12। अरे 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, ये 12 ना होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते होते होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, कीमती वक्त आपका बिताना नहीं चाहता है। रबीउल अव्वल का मौका आ रहा है, टाइम मिलेगा तो आपके मोहल्ले में आकर के पूरे कुरान और वेद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं खास बात आपको बताना चाह रहा हूँ, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, इनके साथ इनके माँ और बाप भी जा रहे हैं। कितने खुश नसीब है अल्लाह जाने जब ये लोग अहराम की हालत में जब जिद्दा उतरेंगे और जिद्दा से जैसे ही ये लोग मक्का की तरफ चलेंगे, बताइए एक रकात नमाज जहाँ पढ़े वहाँ 1,00,000 नेकियां, और जिस जगह पर एक रकात नमाज पढ़ जाए वहाँ 50,000 नेकियां, वो जगह पर ये लोग तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम तमाम सामईन को हजरे मबरूर और उमरा और हज करने की तौफीक तौफीक अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला, जो कुछ मैंने कहा बोलने में कहने सुनाने में गलतियां अगर हो गई है तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक ही सैला की भी ना तमाम है जो कुछ भी आवाज बाप था वाखुदा अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात इंशाल्लाह फिर आपके मोहल्ले में आने का कोशिश करूंगा, लेकिन इन लोगों के यहाँ से ये मौलाना अब्दुल रहीम साहब हमारे साथी में से हैं और बहुत चाहते मानते हैं, इसलिए इनकी मोहब्बत में वरना आज हम तो पलामू में रहने वाले थे, इनकी मोहब्बत में हम तशरीफ लाए, आप लोग गवाह बने। कल जब ये यहाँ से निकले अहले मोहल्ला से गुजारिश है कि इससे मुसाफा जरूर करें, हाथ जरूर मिलाएं। ये हाथ उस जगह पर जाके लगने वाला है जहाँ के लिए हम लोग इंतजार करते हैं, हमारी आत्मा हमारी रूह तड़पती है, वो जगह जा रहे हैं जहाँ पर ये रखेंगे सजदा करेंगे वो मुकद्दस जगह। ये लोग जाएंगे जिसके बारे में कह रहा है अल्लाह, एक शायर कहते हैं, मदीने में जाने को जी चाहता है वहीं सर झुकाने को जी चाहता है, मदीना पहुँच कर सही तो जहाँ से गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, मदीने की मिट्टी को सुरमा बनाकर आंखों में लगाने को जी चाहता है।